एक बार फिर से आपका स्वागत है वंदनाज फटाफट कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। हमें चाहिए चावल जो पानी में हमने पहले से भिगोया हुआ है, दही, साबुत बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-3 तेज़पत्ता, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, पिसी हुई लहसुन और चिकन। इसके लिए 2 प्याज चाहिए होगा, धनिया पत्ती ये गार्निश के लिए है और अदरक। हम लोग शुरू में 2 बॉयल्ड एग लिया है, ये गार्निश करने के लिए, इसे लास्ट में यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही, सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन आप 2 टीस्पून डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके इसे हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे में अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और जितना भी इसमें मसाला आपने यूज़ किया है ये चिकन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। इस प्याज को हम लोग बारीक काट लेते हैं। इस बारीक कटे हुए प्याज को बाउल में रख लें। धनिया पत्ती को बिल्कुल बारीक काट लें। ये हमारा सारा प्रिपरेशन रेडी है। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, इसे अभी हमें और छोड़ना है थोड़ी देर। तब तक हम लोग अपने राइस को फ्राई कर लेते हैं, जो राइस आपने पहले से पानी में भिगो कर रखा है। अब 1 टीस्पून के अराउंड में इसमें ऑयल डालें। जब गर्म हो चुका है आइए इसमें राइस डाल देते हैं। इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। अब ये हमारा राइस ब्राउन हो चुका है, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस इतना ही, लाइट पिंक कलर में। ये राइस ब्राउन हो चुका है, अब इसे आप एक बाउल में ले लें। अब हम लोग को प्याज फ्राई करना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना है क्योंकि प्याज को हमने डीप फ्राई करना है। चिकन बिरयानी रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर इसे गार्निश करेंगे जिससे चिकन बिरयानी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे टिश्यू पेपर के ऊपर आप निकाल लें, जितना ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। अब इस चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था इसे हम लोग डीप फ्राई करेंगे। इसमें ऑयल बहुत सारा आपके पास ऑलरेडी, हमारे बर्तन में ऑयल बच गया है, इतने ही ऑयल में हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। इसे हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हमने 1 घंटे मैरिनेट किया है इसलिए इसका साथ में ये अंदर से बहुत ही इसमें ये जूसी हो गया है। अंदर से सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। चिकन बिरयानी बनाते समय हमें ख्याल रखना है थोड़ा सा इसका पीसेस बड़ा होगा। वैसे तो आप मार्केट में खाते होंगे तो आप काफ़ी बड़ा पीस होता है चिकन का, मार्केट में जो बिरयानी बना होता है उसका पीसेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ का पीस लेंगे तो इसका जो सारा मसाला है इसके अंदर अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। अब चिकन फ्राई हो चुका है, इसे एक एक करके निकाल लेंगे प्लेट में। बर्तन में आपने चिकन मैरिनेट किया था उसमें फिर से आप 1 टीस्पून दही ले लें, नमक टेस्ट के अनुसार जितना राइस में रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून डाला है क्योंकि राइस के अंदर भी नमक का टेस्ट आना चाहिए, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर
2 टीस्पून। इस मसाले को आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और इसे भी हमें थोड़ा सा, और अपने अदरक हमने पहले से ग्रेट करके रखा था, इसमें अदरक भी मिला दी। इन सब मसालों को भी हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है। ये बिरयानी का मसाला है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट इसे हमें भूनना है। ये देखिए, ये कढ़ाई में पहले ही तेल छोड़ रहा है बाहर मसाला, इसका मतलब है ये अब ये भून चुका है। अब हम इस बिरयानी में अब हमें रेडी करना है सारे, जो आपने राइस पहले से भून के रखा है, जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है, ये सब हमें इसमें डालकर 1 सीटी तक लगाना है। आप सबसे पहले नीचे में पूरा राइस डाल दें। इसे आप किसी भगोने में भी बना सकते हैं, मैं कुकर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में, और इसके लिए 1 सीटी काफ़ी होगा। इसमें चिकन का जो पीसेस है उसको डाल दीजिए, इसमें चिकन बिरयानी के मसाले को डाल दीजिए जो अभी हमने फ्राई किया है जस्ट। बिरयानी बनाते वक्त हमें पानी का अंदाज बिल्कुल सही रखना है। हमने जितना चावल लिया है उसी क्वांटिटी में पानी लेना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बिरयानी बना रहे हैं तो अगर 2 कप चावल लिया है तो आपको 2 कप पानी ही इसमें हम लोग डालेंगे। अगर आप इसी को डेक्ची में बना रहे हैं तो आपने जितना राइस लिया है उससे 1 कप क्वांटिटी ज़्यादा पानी लेना है। जैसे अगर इसको डेक्ची में बनाएंगे तो 2 कप चावल में 3 कप पानी डालेंगे, पानी का यही रेशियो रहेगा, इससे आपका बिरयानी बिल्कुल खिला खिला। इसमें जो हमने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी लिया था उसे जब पानी डाल दिए कुकर में तो आप इसे भी डाल दें उसमें। अब इसके मुझे हम लोगों को इसमें 1 सीटी तक इसका प्रेशर देना है। जब तक आपका उसमें कुकर में प्रेशर आ रहा है इसके गार्निश की तैयारी कर लें। हमने जो बॉयल्ड एग लिया था उसको आप काट लें। ये धनिया पत्ती है गार्निश के लिए, और ये जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई किया है इससे हम लोग अपने बिरयानी को गार्निश करेंगे। ये आपको जो आज हमने बिरयानी बताया बहुत ही इजी स्टेप से बताया है, और इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। बिरयानी ऐसा है कि आप इसे लंच में या डिनर में कभी भी ले सकते हैं, और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद है। इसके साथ, बिरयानी के साथ आपको किसी भी और दूसरे सब्जी की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी ग्रेवी की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो हमने बताया ऑलरेडी, हमने इसमें बहुत सारा जो दही यूज़ किया है और जो भी स्पाइस यूज़ किया है उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि इसमें आपको किसी भी अदर ग्रेवी का कोई नीड नहीं है, दूसरे किसी भी ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। और इसे आप सिर्फ घर में रायता बना लें, खीरा का रायता, बूंदी रायता, और इसे पापड़ के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आएगा। जब इसमें 1 सीटी आ जाए तो इसका प्रेशर ख़त्म होने तक हमें वेट करना है। जब इसका पूरा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें इस कुकर को खोलना है। अब आप चेक करें, देखें इसका प्रेशर निकल चुका है पूरा। ये चिकन बिरयानी हमारा रेडी है, इसे अब हमें गार्निश करना है। इसके लिए आप किसी भी बर्तन में से पहले इसे निकाल लें। ये चिकन बिरयानी हमने सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया है। आपको जितना, जितने लोगों का बनाना है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी यूज़ करें। अब चलिए इसे गार्निश करते हैं। हमने इस प्याज को गोल्डन फ्राई किया था, आप उसे इसके ऊपर डाल दें। एग जो हमने कटिंग किया था, यह आज का हमारा चिकन बिरयानी रेडी है। अगर आपको आज का हमारा बिरयानी पसंद आया तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने परिवार को खिलाएं और बिरयानी का मज़ा लें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए डिश के साथ। धन्यवाद।